क्लास 10 मैथमेटिक्स जो आपका चैप्टर है नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स, सब यहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो प्रश्नावली 3.4 का ये पार्ट 1 है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। विलोपन विधि को अंग्रेजी में एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, प्रतिस्थापन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, और बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है, ये भी बताना है। तो ये चार क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, इन चारों क्वेश्चनों को हम पार्ट 1 के सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और नेक्स्ट पार्ट में हम जो ये सेकंड क्वेश्चन के पार्ट दे रखे ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो 3.4 स्टार्ट करते हैं। बाकी चैप्टर मैंने करा रखे हैं जिसके लिंक्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उनको ज़रूर देखना, ठीक है। पहले पार्ट पे आ जाते हैं, पहले क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है एक्स प्लस समीकरण नंबर 1, व जो दूसरा समीकरण हमारे पास है 2x-k 3y = 4, ये हमारे पास समीकरण नंबर दूसरा है, ठीक है। किस विधि का उपयोग करना, विलोपन और प्रतिस्थापन, क्लियर। सो तो सबसे पहले प्रतिस्थापन लगा के सॉल्व करते हैं, लिख भी दो जो विधि आप यूज कर रहे हो, प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या है कि सबसे पहले मैं किसका मान निकालता हूँ, किसी भी एक एक्स का निकाल लो या फिर वाई का, किसी भी समीकरण से। समीकरण 1 ले लिया मैंने क्योंकि आसानी पड़ेगा, यहाँ पर प्लस का वाई इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के वाई। इसे समीकरण नंबर 3 मान लिया मैंने, फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 से प्रतिस्थापित किया है तो हमें कहाँ रखना है, 2 में, ऐसे लिख सकते हो, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। सो ये 2 है, x का मान क्या है, देखो यहाँ रखना है x का मान 5-y, क्योंकि x और 2 के बीच गुणे का संबंध है, और बाहर क्या है देखो माइनस के 3y, यहाँ 4 है, 2 से क्या कर देंगे गुणा, 2 5 10, 2y-3y 4, 10-2y-3y-5y 4, ठीक है। सो ये यहाँ पर आ जाएगा, देखो ये प्लस का चाहे इधर आ जाएगा, माइनस के 4 और ये प्लस माइनस के 5y, इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 5y, तो 10 में से 4 गया 6, तो y का मान क्या गया, 6/5, ये प्लस के 5 था इधर, मतलब गुणे में 5 था, इधर के मल्टी बट्टे में आ गया, गुणा का चिन्ह इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, तो y का मान 6/5 आया। अब y का मान आप यहाँ रखेंगे तो x का मान मिलेगा, वाई का मान रखने पर, ठीक है, ये स्टेप बाई स्टेप करना है एक के पीछे एक, मैं तो पन्ने बजाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। 5 वाई का मान कितना है, 6/5 यहाँ रख देंगे, ठीक है, वाई का मान यहाँ रख दिया 6/5, लॉस ऑफ आगे ले लेंगे, 5 1 5, इसकी गुणा इसके साथ 25-, इसकी गुणा इसके साथ 6 1 6, 25 में से 6 गया 19/5, सो एक्स का मान कितना है, 19/5। तो ये हमारा प्रतिस्थापन विधि हुआ, और ये हमारा उससे हमें जो मान मिले हैं वो है एक्स का मान 19/5 और वाई का मान 6/5। जब हम अब हम इसको करेंगे विलोपन विधि से, ठीक है, और चाहे विधि हम चाहे दूसरा यूज़ करें लेकिन मान वही रहने वाले हैं, ये ध्यान रहे। अगर आप विधि दूसरा यूज़ कर रहे हो, मान अलग अलग आ रहे हैं, तो आपने गलत कर दिया कहीं पर, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे कौन सा विधि, विलोपन विधि, विलोपन का मतलब होता है एक को लुप्त करना, एक मान को लुप्त करना, गायब कर देना। सो पहले जो दिए गए समीकरण है उसको हम लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर क्या है, 5 है, और दूसरा हमारे पास है 2x-3y = 4। तो
देखो इसमें क्या होता है कि एक्स या जिसको भी आपको हटाना वाई, उसमें क्या करना है, दोनों के गुणांक समान होने चाहिए। देखो अगर मैं एक्स को हटाना चाहता हूँ तो यहाँ अगर 2 है तो मुझे यहाँ पर भी 2 चाहिए, तभी हटेगा। सीधा सीधा रूल क्या होता है कि जो एक्स को अगर हटाना है तो इसका जो अगर 2 गुणा है ना, तो समीकरण 2 से कर दो, इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं हम। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो वही रहता है, और सेकेंड में 1 से गुणा करता हूँ, ठीक है। तो आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। तो 2 से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2x+2y5 × 10, ठीक है। और 1 से गुणा करने पे तो वही रहता है। अब समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, हमेशा याद रखना, समान चिन्ह पे घटाते हैं और विपरीत चिन्ह पे जोड़ते हैं। समान चिन्ह प्लस प्लस है, घटाना है, घटाने पर चिन्ह बदलता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, घटा 2y और 3y क्या हो जाएगा, 5y। 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 6। तो y का मान क्या जाएगा, ये 5 है, गुणे में किया जाएगा बट्टे में, 6/5 आया, याद भी 6/5 था। अब y का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दो, यहाँ मत रख देना, यहाँ रखना है, ठीक है ना, एक्चुअल वाले में। समीकरण 1 में रखने पर x+y हमारे पास क्या था, 5, y का मान क्या है, 6/5, प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। जस्ट अभी हमने ये सरल किया था, अभी नहीं किया था ये देखो, और इसको हल करने पे हमें कितना मिला था, 19/5। तो कौन सा सरल है, सबसे सरल कौन सा मेथड है, विलोपन विधि सरल है। ये मेरा ओपिनियन है, आई थिंक आपको जो अच्छा लगे वो आप जरूर लिखना एग्जाम में, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है। मेरा ओपिनियन है कि विलोपन मेथड आसान है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने आराम से कर लिया, चलिए ऐसे ही आपको सारे पार्ट्स करने हैं। सेकंड पार्ट में आ जाऊँ, ये पहला समीकरण है, जो दूसरा है, ठीक है। सो यहाँ से दूसरे समीकरण को देखो ढंग से लिख सकते हैं, चलो ऐसे ही रहने दो, शॉर्ट कर सकते हैं, दो कॉमन लेके कर सकते हैं, लेकिन रहने दो। पहले किस मेथड का यूज़ करते हैं, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि समीकरण 1 से, ठीक है। इस बार y का मान निकालते हैं, यानी कि इसको इधर रखो, प्लस का 3x, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3x, 4 × 3, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में, ठीक है। समीकरण 1 से आपने y का मान निकालना है तो कहाँ रखना पड़ेगा, 2 में, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर तो 2y का मान रखना है, y का मान क्या है, 10 − 3x/4, इधर 2, 2 × 2 = 4, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बट्टे में बचा हुआ है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 ले सकता हूँ मैं, एलसीएम लॉस ऑफ क्या जाएगा, 2, इसकी गुणा इसके साथ 2 × 2 = 4x, और 1 की गुणा ऐसे करोगे तो वही रहेगा, ठीक है। माइनस अंदर कर दोगे तो −10 + 3x, 2, 4x और 3x कितना हो जाएगा, 7x, −10/2 = 2, इसके बट्टे में कुछ नहीं देख ले लो, तिरछी गुणा, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही रहते हैं, और 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, −10 इधर आके क्या हो जाएगा, +10, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14, 7 × 3 इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में, 7 × 2 = 14, सो एक्स का मान कितना आ गया, 2, ठीक है, एक्स का मान 2 आ गया। अब एक्स का मान समीकरण 3 में रख दो तो वाई का मान आ जाएगा,
एक्स का मान रखने पर, तो वाई 10 माइनस 3, एक्स का मान कितना आया था 2/4, 10 3 दूनी 6/4, तो 4/4 यानी कि 1। तो एक्स का मान 2 आया है, वाई का मान 1 आया है, किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। इसी क्वेश्चंस को अब हमें दूसरे मेथड से सरल करना है और मान यही आएंगे। अब हम क्या करेंगे? विलोपन विधि। ठीक है, अब हम क्या अप्लाई करेंगे? विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में पहले लिख लो 3x + 4y = 10 है समीकरण 1, यहाँ 2x - 2y = 2 है। देखो उस पहले वाले क्वेश्चन में हमने x को हटाया था, इस वाले क्वेश्चन में मैं y को हटा के दिखा रहा हूँ, आप किसी को भी हटा सकते हो। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करना होगा? समान समान बनाना होता है, तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करना होगा? 2 से गुणा करना होगा इसमें ओनली। ठीक है, तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट में ऐसे लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो पहला वाला तो वैसे का वैसे ही लिख दिया मैंने, इसमें 2 से गुणा करना है 2x 2 दुनी 4y 2 दुनी 4। अच्छा 2 दुनी 4, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, विपरीत चिन्ह होने पे क्या करते हैं? जोड़ते हैं, मैंने बोला था जोड़ेंगे तो कटेगा, 4x और 3x 7x, 10 और 4 14, 14/7, 7 दुनी 14, एक्स का मान कितना आ गया 2। उस विधि में भी 2 आया था, एक्स का मान समीकरण 1 2 में रख दो, किसी में भी रख दो, किसी में भी रख दो समीकरण, एक्स का मान समीकरण 2 में रख दिया। 2 क्या था हमारे पास? 2x - 2y = 2, एक्स का मान कितना है 2, 2 दुनी 4 माइनस के 2y = 2, प्लस का 2 उधर के माइनस का 2, या माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, 4 में से 2 गया 2, 2y, 2 गुणे में इधर के बट्टे में, 2 1 कम 2, तो वाई का मान कितना आ गया 1। तो कौन सी विधि अच्छी है? विलोपन। ठीक है, मेथड हमने अलग अलग लगाए लेकिन आंसर सेम आए। ठीक है, सो एक्सरसाइज 3.4 का ये दूसरा प्रॉब्लम भी हो गया, क्लास 10th मैथमेटिक्स, हिंदी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड 3। थर्ड क्वेश्चन के 3x - 5y - 4 = 0, सो उसको उठाकर हमें उधर लाना है, कांस्टेंट को उधर ले जाना होता है। तो ये कांस्टेंट पद है, माइनस का वो धक्के क्या हो जाएगा? प्लस का 4, समीकरण नंबर 1। वाह, दूसरा क्या है हमारे पास? 9x = 2y + 7, तो प्लस के 2y धक्के क्या हो जाएगा? माइनस के 2y। ठीक, ये समीकरण नंबर हमारे पास दूसरा है। तो पहला मेथड हम कौन सा यूज़ करेंगे? प्रतिस्थापन। समीकरण 1 से ले लेंगे, समीकरण 1 से एक्स का मान निकालते हैं, माइनस का 5y इधर के क्या हो जाएगा? प्लस के 5y। ठीक, अब ये 3 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में, तो ये हमारा x का मान आ गया। ठीक, अब x का मान हमने समीकरण 1 से निकाला है तो हमें कहाँ रखना पड़ेगा? 2 में। तो 9x की जगह पर रखेंगे यहाँ पर, तो 4 + 5y / 3, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 4 अंदर गुणा करो, 3 चौके 12, 3 5 15, 12 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और 12 में से 2y घटाएंगे तो 15 में से 2y घटाएंगे तो 13y,
और ये 7 माइनस के 12, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 7 में से 12 गया तो माइनस के 5, तो वाई का मान आ जाएगा, गुणे में तो 13 के बट्टे में आ जाएगा, तो वाई का मान कितना आ गया, माइनस के 5/13। अब इस वाई को मान को हम यहाँ रखेंगे तो हमें एक्स का मान मिल जाएगा, एक्स 4 + 5, वाई का मान कितना आया था हमारे पास, माइनस के 5/13, बट्टे में कितना है, 3। लॉ से पढ़ लो, 4 + (−) माइनस 5 25/13/3, ठीक। अब शॉर्टकट ट्रिक होता है ये, लॉ से भिन्नों का जोड़ घटाना है, तो शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ मैं आपको। 13 चौके इसकी गुणा इसके साथ होती है, 13 चौके 52, और ये वाला ऐसे का ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। 12 में से 5 गया 7, ठीक है, 4 में से 2 गया तो 27, और इसकी गुणा इससे 7 हो जाती है, 33 39, कटेगा 3 से कटेगा, 3 1 = 3, 3 3 9, 3 9 27। सो एक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 9/13, ठीक, और वाई की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, माइनस के 5/13। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब इसी को हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से। अब आपको पता चलेगा कि विलोपन विधि क्यों बेस्ट है और क्यों सबसे आसान मानी जाती है। देखो यहाँ पर 9 है, गुणांक समान बनाने होते हैं, ठीक है, सेकेंड मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम, समान बनाने होते हैं, तो यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 बनाना होगा, आसान होगा, तो 9 कैसे बनेगा, जब 3 से गुणा करूँगा मैं, 3 3 9, ठीक है, तो यहाँ लिख दूँगा समीकरण 1 तथा 2 से, 3 से गुणा करना है, 3 3 9, 3 5 15, 3 6 12, और ये वाला वैसे का वैसे ही, अभी मैंने क्या बोला था, जब भी समान चिन्ह होंगे तो क्या करेंगे, घटाएंगे, और घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, घटा माइनस के 15y प्लस के 2y तो माइनस के 13y, 12 में से 5 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव के ये गुणे में इधर के 1/2 में आ जाएगा, सो y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 5/13। आंसर वहाँ पर भी हमारा वही आया था, माइनस के 5/13। अब किसी एक में समीकरण में मान रख दो, वाई का मान समीकरण 1 में रख दो, और अभी हमने जस्ट यहाँ पर रख के हल किया था ना, जस्ट अभी हल किया था, दोबारा कर देते हैं, 3x - 5y = 4, वाई का मान कितना है, देखो 5/13 नेगेटिव का, सो देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 5 5 25/13, ठीक है, प्लस के तरह के क्या हो जाएगा, माइनस का, 13 6 52 - 25/13, हल करो, 25 में से 52 में से 25 घटाओगे कितना है, 27, ठीक है, इधर क्या आएगा, 3x = 27/13, ऊपर है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में, 3 1 3 3 9 27, सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 9/13, पहले भी तो यही आया था, ठीक है, तो कौन सा मेथड बेस्ट है, विलोपन विधि। तो ये क्वेश्चन भी हमने आराम से कर लिया, चलिए फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, x/2 2y/3 = -1, ये पहला समीकरण है, व दूसरा समीकरण क्या है, x - y/3 = 3 है, ठीक है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को हल
आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं समीकरण बना के दे रहा हूँ प्रॉपर, आपको हल करके मेरे को आंसर बताना है और बताओगे जेन्युइन कि आपको कौन सा मेथड बेस्ट लगा, और आपके आंसर भी आपको नीचे कमेंट करने हैं। तो लॉस ऑफ कितना आ जाएगा, 3 × 6, इसके गुणा इसके साथ 3x, इसके गुणा इसके साथ 2 × 4y, माइनस के 1 इधर बट्टा कुछ नहीं तो 1, 3 × 1 = 3, इसके गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ 2y = y। तिरछा करेंगे किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं, वही रहते हैं 6 − 6, ये आपका समीकरण नंबर 1 हुआ प्रॉपर वाला। यहाँ पर भी वही, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो, वही रहता है, और 3 × 3 = 9। तो ये देखो इसमें तो 3x यहाँ आप दिख रहे हैं, यहाँ 3 भी x दिख रहे हैं, विलोपन विधि अपल की और आसान हो जाएगी इसमें। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है, आंसर्स आपको कमेंट करने हैं, और आपको बताना है कि आपको ये कौन सा मेथड अच्छा लगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें।